गाइस हमारी हेलिशा को भी ट्रोल किया जा रहा है। अब किस लिए हेलिशा को ट्रोल किया जा रहा है तो आप लोग बता दूँ, हेलिशा ने जैसे कि कह दिया कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अभी म्यूज़िक एल्बम की शूटिंग नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने जैसे ही ये कहा, फैंस जो है उनको ट्रोल करने लग गए। एंड आप लोग बता दें, इस ट्रोल का जो मतलब आप लोग कैसे ट्रोल कर रहे हो, कुछ दिन पहले हेलिशा को इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना ट्रेंड किया हमारे हेलिशा के लिए, मतलब कि वो ट्रेंड प्लान नहीं किया हुआ था, तभी आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आज एक ट्रेंड प्लान किया गया हमारे हमारे राहिल और हमारे जो इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 है उसके लिए, मतलब इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 3 और राहिल के रिलेटेड एक ही ट्रेंड है। एंड आप लोग बता दें, हमारी हेलिशा को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन हमारी हेलिशा को भी आप लोग ट्रोल किस लिए कर रहे हो? कुछ दिन पहले आप लोगों ने राहुल सुधीर को भी ट्रोल किया था, इस वजह से कि राहुल सुधीर पहले जब वो इश्क में मैं जाऊँ सीज़न 2 में नज़र आया करते थे, रोल प्ले किया करते थे, तब वो कितने उनसे अगर कुछ पूछा जाता इश्क में मजाओं सीज़न 2 के बारे में, इश्क में मजाओं शो के बारे में, वो सारे चीज़ें ना खुल के बोलते थे। वो अभी जो है अभी इश्क में मजाओं सीज़न 2 जब से ऑफ़ उनसे अगर कोई कुछ भी इंटरव्यू अगर उनसे इश्क में मजाओं सीज़न 3 के बारे में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो वो ठीक ठाक से जवाब नहीं देते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही थोड़ा सा जो भी पाते हैं वो बोल देते। सो भाई ऐसा करने का कुछ नहीं, आप लोग हमारे राहिल को ट्रोल कर चुके हो। पहले तो आप लोगों ने राहुल सुधीर को ट्रोल किया, उसके बाद आप लोगों ने हेलिशा को ट्रोल कर रहे हो। सो हेलिशा की क्या गलती? हेलिशा ने ये नहीं कहा है कि मैं ट्रोल आप लोग कर रहे हो, बेकार में कर रहे हो, फैंस की गलती है। सो हेलिशा ने ये तो नहीं कहा है ना कि हेलिशा जो म्यूज़िक एल्बम है उसको नहीं करेगी, उसका एफर्ट जो उसका टाइम तो नहीं है, ये उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप लोग उनके इंटरव्यूज या फिर जो भी मैं आप लोग अपडेट देती हूँ उस अपडेट को दोबारा सुनिए, या फिर जहाँ से आप लोग अपडेट लेते हो वहाँ पर आप लोग जो है दोबारा सुनो उस अपडेट को कि हेलिशा ने क्या कहा है। हेलिशा भी म्यूज़िक एल्बम के लिए फ्री है या फिर नहीं, हेलिशा का मतलब कहने का मतलब क्या है, हेलिशा ने कहा क्या है, आप लोग जाके ठीक से सुनिए। एंड आप लोग जो है आप लोग खुद ही देखिए कि हेलिशा ने कहा क्या है एग्जैक्टली, तो आप लोग देखिए। मुझे तो लगता है कि हेलिशा को ट्रोल नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप लोग लगता है तो आप लोग जो है हेलिशा के रियल वाले फ़ैन नहीं हो, आप लोग रियांश राहिल के रियल वाले फ़ैन नहीं हो। राहिल को आप लोग ट्रोल कर चुके हो, मतलब कि राहुल सुधीर को एक बार ट्रोल किया, उसके बाद अभी हेलिशा को आप लोग ट्रोल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमारे राहिल जो है ट्रेंड होने के बजाय ट्रोल हो रहे हैं, भाई ये कैसी बात है? लोग भी क्या सोचेंगे, दूसरे जोड़ीज़ के फैंस जो इतनी छोटी सी बात को लेकर रियांश फैंस कैसा हो गए। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें में पढ़ना नहीं चाहिए। एंड आप लोगों को हमारी हेलिशा राहुल से इतना छोटा सा प्यार देते हो वही बस रखो ना, कि ये ट्रोल के चक्कर में ना पड़े, आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड कुछ फैंस को जो है गुस्सा आ रहा है कि हमें चाहिए और हेली यहाँ पर मजाक करिए हमारे साथ, हेली यहाँ पर हमारे साथ खेल खेल रही है। सो हेलिशा कोई खेल नहीं खेल रही है भाई, आप लोग उनके साथ ऐसा बदतमीज़ी कर रहे हैं। सो मैं जो फैंस अभी ये वीडियो प्ले कर रहे हैं वही लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। हेलिशा जब फ्री होगी तभी ये वो करेंगे, अगर उसे म्यूज़िक एल्बम नहीं करनी होती ना तो वो खुद ही कहते जो मैं म्यूज़िक एल्बम नहीं कर पाऊँगी। तो यही था बस अपडेट, जल्द मिलेगी किसी न्यू वीडियो में। एंड कुछ न्यू अपडेट आए हो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगले वीडियो पर।